दोस्तों, एक बेहद छोटा सा जीव है केचुआ। आपको शायद ज्ञात हो कि आदिकाल से ही ये छोटा सा जीव मिट्टी के अंदर रेंगते हुए मिट्टी को फोकी और भुरभुरी बनाता है, जिससे मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन और पानी अच्छे से फैलता है। मिट्टी उपजाऊ होती है। उपजाऊ मिट्टी पर अधिक मात्रा में घास आदि उगती है। उस घास को खाकर असंख्य जीवों की भूख मिटती है। कई बार हम किसी बेहद ही बुरी प्रवृत्ति के इंसान की तुलना गिद्ध से कर देते हैं, लेकिन गिद्ध जंगल में सड़ रहे मरे हुए जानवरों को खाते हैं। सोचे, यदि गिद्ध ना हो तो पशुओं के शवों का क्या होगा? शव सड़ेंगे, उनमें विषाणु कीटाणु जन्म लेंगे और पूरी दुनिया महामारियों की चपेट में आ जाएगी। कहने का मतलब यह है कि दुनिया का हर जीव प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब जरा सोचे कि हम इंसानों का इस प्रकृति को बचाए रखने में भला क्या योगदान है। जब हम इंसानों ने एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू किया तो अपनी लड़ाई में हमने घोड़ों और हाथियों को भी शामिल कर लिया। भला हमारी आपसी दुश्मनी में उन मासूम जीवों का क्या कसूर था? सोना चांदी इंसान लूटता था, लेकिन युद्ध में मारे जाने वाले उन घोड़े हाथियों को सोने चांदी से भला क्या लेना देना था? आज हम गाय को माता कहते हैं और गाय के दूध को अमृत बतलाते हैं। बेशक गाय का दूध अमृत है, लेकिन हमारे लिए नहीं। गाय का दूध अमृत है गाय के बछड़े के लिए। आप गाय को माता कह सकते हैं, लेकिन क्या गाय भी आपको अपना बेटा मान सकती है? जबकि आप उसे खूंटे से बांधकर रखते हैं और जो दूध उसके बेटे यानी बछड़े के लिए था उसे खुद पी जाते हैं। हमने खेती करना सीखा और अपने साथ बैलों को भी इस कार्य में शामिल कर लिया, लेकिन बैल तो पहले भी घास फूस खाकर अपना पेट भर ही रहा था। उसे क्या लेना देना आपकी खेती और आपके व्यापार से? ऊपर से जब वो बैल बूढ़ा हो जाता, हल खींचने के लायक नहीं रहता, तो हम उसे कसाई के सुपुर्द कर दिया करते थे। हमने आवागमन के साधन के रूप में तांगों का प्रयोग शुरू किया। अब किसी को दिल्ली से लखनऊ जाना होता तो तांगे में जुड़ा घोड़ा उस तांगे को घसीटकर ले जाता, लेकिन दिल्ली के उस घोड़े को भला लखनऊ से क्या लेना देना? उसे तो ये भी नहीं पता होता कि उसे किस दिशा में जाना है। बस जिस दिशा में घोड़े की लगाम खींचकर उसके पीठ पर चाबुक बरसा दिए जाते, उसी दिशा में घोड़ा दौड़ लगा देता। वैसे वर्तमान में विज्ञान के दम पर हमने इंजन बना लिए हैं, जिस वजह से हमारे चाबुक को अपनी पीठ पर झेलने वाले जानवरों की दर में कमी आई है। लेकिन हमने ईंधनों के रूप में कोयले या डीजल आदि का प्रयोग शुरू किया और पूरे वातावरण को दूषित करना शुरू कर दिया। पहले हम कुछ जीवों को परेशान करते थे, अब हमने सभी जीवों का सांस लेना दूभर कर दिया। हमने अपने रहने की जगह को फैलाने के मकसद से जंगलों को उजाड़ना शुरू किया, जिससे करोड़ों जीवों का घर छिन गया। हमने उन नदियों को जहरीला बना दिया जिनसे ये मासूम जीव अपनी प्यास बुझाते थे। हमने मोबाइल टावरों द्वारा रेडिएशन फैलाया। हर जगह कान फोड़ू कारखानों, लाउडस्पीकरों, इंजनों से ध्वनि प्रदूषण फैलाया, जिससे हमारे घरों के आसपास अपना घोंसला बनाकर अपने बच्चों का पालन पोषण करने वाली गोरैया नामक छोटी सी चिड़िया न जाने कहाँ गायब हो गई। इन तमाम तर्कों से क्या पता चलता है? पता ये चलता है दोस्तों कि हम इंसान घुन की तरह इस प्रकृति को खा रहे हैं। देखा जाए तो प्रकृति की नज़र में हम इंसान एक वायरस के समान हैं जो लगातार पृथ्वी को बीमार कर रहे हैं। जिस तरह से बुखार आने पर हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है, उसी तरह से पिछले 100 सालों के दौरान हम इंसानों द्वारा किए गए प्रदूषण के कारण ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के चलते पृथ्वी का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। यानी हम इंसान रूपी वायरसों की वजह से आज हमारी पृथ्वी को बुखार आ गया है। और यदि हम इंसान वायरस हैं तो जिसे हम कोरोना वायरस कहते हैं वो क्या हुआ? अगर हम इंसान वायरस हैं तो कोरोना हुआ प्रकृति का एंटीवायरस, जिसने हम इंसानों पर हमला बोल दिया है। कहते हैं कि कोरोना वायरस जानवरों से हम इंसानों को मिला है, किंतु मुझे तो कोई जानवर इससे प्रभावित होता नहीं दिखाई दिया। अपने आसपास घूमते कुत्ते बिल्लियों को देखो, वो ऐसे ही घूम रहे हैं बिंदास, ना ही उनकी संख्या में कोई कमी आई है। घरों में तो हम इंसान दुबके हुए हैं, घूमने फिरने की पाबंदी तो इंसानों पर लगी है। दोस्तों, दुनिया के हर जीव की संख्या या तो नियंत्रण में है या फिर कम हो रही है। वो तमाम जीव खुद ही एक दूसरे को खाकर अपनी संख्या नियंत्रित किए हुए हैं, लेकिन इंसान की संख्या भला कैसे नियंत्रित हो? भले ही हम इंसान बाकी सभी जीवों पर राज करते हों, उन्हें अपने तरीके से इस्तेमाल में लाते हों, लेकिन हम भूल जाते हैं कि प्रकृति हमेशा अपना संतुलन बनाए रखती है। और शायद प्रकृति ने हम इंसानों को वायरस मानकर अपना एंटीवायरस स्कैन शुरू कर दिया है।
इसलिए बेहतर होगा कि प्रकृति के एंटीवायरस से आप छुप कर रहें। हम सबके घरों में दुबकने के कारण ही प्रकृति में कई आश्चर्यजनक सुधार होने शुरू हो गए हैं। अभी कुछ ही दिन बीते हैं लॉकडाउन हुए, लेकिन दुनिया भर में प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव में जबरदस्त कमी देखने को मिली है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार इटली में प्रदूषण 60% कम हो चुका है। ऐसा पिछले कई दशकों में पहली बार हुआ है। न्यूयॉर्क शहर की हवा ग्रीनलैंड जितनी ही साफ हो गई है। भारत के सभी प्रदूषित शहरों की हवा भी अब उतनी ही साफ है जितनी पहाड़ों की हवा होती है। कारण सिर्फ एक है कि हम इंसान अपने घरों में बैठे हैं। आप रात को आसमान की तरफ देखना, आप महसूस करेंगे कि तारे पहले की तुलना में ज़्यादा चमकदार और संख्या में अधिक दिखाई पड़ रहे हैं। दिन के समय आप अपनी छत पर खड़े होकर देखोगे तो पाओगे कि अब आप पहले की तुलना में ज़्यादा दूर तक देख पा रहे हैं। इन सब का कारण प्रदूषण कम होना ही है, और आने वाले दिनों में हवा और भी ज़्यादा साफ होगी, आपको तारे और भी ज़्यादा बेहतर दिखाई देंगे। तब तक शायद खुद को साफ पाकर प्रकृति अपने एंटीवायरस प्रोग्राम को भी विराम दे दे। दोस्तों, कोरोना कहां से फैला, क्यों फैला और कब फैला, इन सब सवालों को आप अपने दिमाग से निकाल दें। आप सिर्फ ये मानकर चले कि ये प्रकृति का ही एक तरीका है, एक इलाज है उन जख्मों को भरने का जो जख्म प्रकृति को इंसानों ने दिए हैं। इसलिए आप लॉकडाउन का पालन करें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकले और जहाँ है वहीं रहें। कुछ दिन ठहर जाओ, ये कोरोना खुद ही समाप्त हो जाएगा। इतिहास में अनेकों बार घातक महामारियां फैली हैं, कोरोना से भी बहुत बड़ी महामारियां। उनकी रोकथाम के लिए इंसानों ने अपनी ओर से भरसक प्रयत्न भी किए हैं, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से वर्तमान में जो हमारी सरकार ने 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की है, उससे बेहतर और सार्थक प्रयास इतिहास में कभी किसी महामारी को रोकने के लिए नहीं किया गया। और ये प्रयास तभी सफल होगा जब सिर्फ सरकार ही नहीं पूरा देश इसमें शामिल होगा। वीडियो को आखिरी तक पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।